नाजरीन, मैं हूं सहर शाह और आप देख रहे हैं सहर शाह ऑफिशियल। नाजरीन, पंजाब में इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, इसके साथ ही सियासी जमातों के माबैन तल्खी बढ़ती जा रही है। तमाम सियासी जमातें अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू कर रही हैं, साथ ही सियासी दर्जा हरारत भी ऊपर जा रहा है। सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए अवाम से ऐसे ऐसे वादे करते नजर आएंगे कि इतने वादे तो महबूब भी अपनी महबूबा से नहीं करता होगा। अवाम की किस्मत में बस यही वो दिन होते हैं जब वो सियासतदानों की हथेली का छाला बने होते हैं, वरना तो अपने हलके के MNA को ढूंढने के लिए भी स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ती है। जनाब, यही वो दिन होते हैं जब ऐसा लगता है कि सियासतदानों ने हर चीज पर सेल लगाई हुई, और जब से गैलप ने अपना सर्वे शेयर किया है इसके बाद से तो लगता है PTM की जमातों को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। शायद इस बार सियासी जमातों को अपना दावा भी बदलना पड़े। मसलन, एक उम्मीदवार अपनी इलेक्शन मुहिम में अवाम को राजी करने के लिए यूं गोया होंगे कि मेहरबान कदरदान हमारी इलेक्शन मुहिम में आइए और फ्री चावल, फ्री आटा, फ्री प्याज, फ्री गैस, फ्री पेट्रोल और फ्री वाईफाई ले जाएंगे, आपके लिए हर चीज फ्री है, बस सही निशान पर निशाना लगाइए और हर चीज फ्री ले जाइए। नाजरीन, ये जो लव्स फ्री है ना, इसमें बला की जाजियत और कशिश है। हमारे हाथ तो जहर भी फ्री में मिल रहा हो तो हम लोग दो पुड़ियां लेते हैं कि शायद एक का नतीजा बरामद ना हुआ तो दूसरी तो होगी ना। नाजरीन, महंगाई का दिन ब दिन मुंह जोर होता जा रहा है, काबू में आ ही नहीं रहा। वैसे महंगाई के जहां नुकसानात हैं वहां इसके कुछ फायदे भी हैं। मसलन, महंगाई की वजह से शौहर खराब नहीं होते, दो दो नौकरियां करते हैं, रात को छुट्टी मिलती है तो सिर्फ सोने के लिए घर आते हैं, आबादी में कमी, मुल्की वसाइल की भी बचत, मियां बीवी की लड़ाई रोज नहीं होती, इसका मतलब रावी चैन ही चैन लिखता है। और तो और इज्जत माँ महंगाई की वजह से ही मुमकिन हुआ कि बंदा मूंगरे खाकर भी तहे दिल से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह उठता है। ये भी महंगाई की ही करामात है कि चिकन और बकरा आजकल फूले नहीं समा रहे। अब तो लोग सब्जियों और दालों के फायदे गिनवाते नहीं थकते, फायदे भी ऐसे कि वजन भी कम, ना मोटापा, ना बीमारी और ना ही कपड़ा ज्यादा लगे। 7 गज की बजाय 5 गज में ही कपड़ा तैयार हो जाए, यानी कपड़े की भी बचत। बचत से याद आया, आजकल तो हमारे सियासतदान भी बचत का भाषण देते नजर आते हैं। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तो पूरी बचत मुहिम ही चला दी, और हमारे पंजाब के निगरान वजीर आला ने बचत के फराइज ऐसे अदा किए कि इस बचत की जई थई फेर दी। जी जनाब, रमजान का चांद देखने वाले मेहमानों के लिए सिर्फ 12 किस्म की डिशेज का टेंडर जारी करा दिया। अभी मजीद जारी था कि मीडिया को खबर हो गई। हमारे वफाकी वुजरा भी बचत करने के तरीके बताने की तरगीब देते नजर आते हैं। कभी कहते हैं कि चाय कम पिए तो कभी कहते हैं रोटी कम खाएं। बचत करना तो हमारी आवाम ने भी खूब सीख लिया है। जब से सिगरेट की डब्बी 500 रुपए की हुई है तब से लोग तीली भी ऐसे इनहमाक से लगाते हैं जैसे सुई में धागा डालते हो। जब से 272 का पेट्रोल हुआ है और 500 की गोल्ड लीफ की डब्बी, इकबाल तेरे शाहीन बिचारे न घूम सकते हैं न झूम सकते हैं। नाजरीन, आजकल मरियम नवाज को मुहिबे वतनी का जनून छाया हुआ है। शायद इनको मिलने वाली इस पोस्ट का नतीजा हो जो उनके वालिद ने उन्हें इनायत फरमाई है। जब ही तो हर शहर में जाकर कहते हैं कि मैं आपकी बेटी हूं। अगर मरियम नवाज से ये पूछा जाए कि आपके वालिद कहाँ हैं तो जवाब आएगा, जनाब लंदन में। आपके भाई कहाँ हैं? जनाब लंदन में। आपके बच्चे कहाँ हैं? जनाब लंदन में। आपका बिजनेस कहाँ है? वो भी लंदन में। आप इलाज कहाँ कराती हैं? लंदन में। तो मरियम बीबी आप कौन है? मैं हूँ पाकिस्तान की बेटी। और इसके साथ ही नाजरीन, मुझे दीजिए इजाजत अगली निश्चित तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।